हाँ दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मैं। और इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूं ये मैं बताने वाला हूं वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। बट दिस इज ओप्पो रेनो 6। यस, ओप्पो रेनो 6 प्रो जो है, इसका जो बड़ा भाई है, उसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन किया हुआ है, जरूर जाके देखिएगा। बट दिस वन एज कंपेयर टू प्रो दोस्तों ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। यस, अगर आप प्रो के साथ कंपेयर करते हो तो, वो भी बताने वाला हूं। चलिए खोलते हैं बॉक्स को, ज्यादा टाइम नहीं जाया करते हैं। वैसे दोस्तों हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है, यू नो व्हाट टू डू, लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, सेम ब्लैक ब्लैक ब्लैक, सबसे ऊपर डॉक्यूमेंटेशन एंड केस होनी चाहिए। यस, एंड सिम कार्ड टूल, लुक एट दिस। ओके, इंटरेस्टिंग थिंग जो है दोस्तों इसमें, केस के ऊपर से आपको समझ में आ रही है क्या? देखिए क्या है इंटरेस्टिंग चीज, जाइए कमेंट्स में अभी लिखिए कि क्यों मैंने इंटरेस्टिंग कहा। ओके ओके, यू विल कम टू नो। बाकी क्या है बॉक्स में देखते हैं। कोई भी कॉर्नर्स नहीं कट किए हैं दोस्तों, इसमें भी आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलता है। यस, दैट इज गुड। एंड यस अगेन, यू ऑल्सो गेट USB टाइप सी वायर्ड ईयरफोन्स, सो दैट इज नाइस। एंड USB टाइप सी, राइट, सो यही आता है सब बॉक्स में। चलिए रखते हैं साइड में, लेट्स लुक एट द फोन नाउ। ऑल राइट, रेनो ग्लो डिजाइन है दोस्तों, जो प्रो में आता है वही इसमें भी आपको नजर आता है। लुक एट दिस, बट इंटरेस्टिंग चीज ये है, लुक एट द साइड्स। यस, एक तो मेटल है दोस्तों एंड इट इज फ्लैट। जो प्रो था दोस्तों वो कंप्लीटली कर्व था, एंड दिस वन इज कंप्लीटली फ्लैट, और इसीलिए रेट्रो डिजाइन कहा गया है। वैसे ये हाथ में फोन पकड़ता हूं तो किसी दूसरे फोन की याद आती है, कौन सी नीचे बताइएगा जरूर। बट आई टेल यू व्हाट, दिस लुक्स प्रीमियम, डेफिनेटली वेरी प्रीमियम इन हैंड। इन हैंड फील जो है वो भी अच्छा है दोस्तों, बड़ा नहीं कहूंगा, छोटा नहीं कहूंगा, एवरेज हाथों के लिए परफेक्ट फिट है। अगर वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, अगेन वेरी वेरी लाइट एंड नाइस, लेट्स लुक। दिस इज ऑल्सो अबाउट 180 ग्राम्स, मेटल है, लेट्स सी। मैं पूरा गलत हो गया था प्रो में, इसमें क्या होता है देखेंगे। ओके, 185 ग्राम्स है दोस्तों इसका वेट, सो या 185 ग्राम्स, नाइस। केस डाल के देखते हैं। या मैंने केस के बारे में पूछा था क्योंकि आई वॉन्टेड यू टू सी दैट फ्लैट साइड्स, इसीलिए। ओके, लेट्स सी द केस। ओह, फिट्स वेरी नाइसली, बहुत अच्छी तरह से फिट होती है, और थोड़ी ऊपर भी आती है तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। टेस्ट करें, ओह साइडवेज गिर गया। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि, अरे तीसरे बार गिरा दिया, कि भाई पहले ही आप ये टेस्ट करते हो, अगर टूट भी गया तो क्या होगा। देखिए, अगर टूट गया फोन तो, या फिर कुछ हो गया उसे, देन अनबॉक्सिंग करने का मतलब ही नहीं बनता है। सो या, दैट्स व्हाई वी डू इट एट द स्टार्ट। पोर्ट्स बटन्स की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल आता है, USB टाइप सी है, माइक्रोफोन है, एंड सिम कार्ड ट्रे है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों, यस, वॉल्यूम रॉकर बटन है, अप एंड डाउन, और वो आपको एंटेना लाइंस मिलते हैं, बिकॉज फ्रेम मेटल की है तो एंटेना लाइंस भी दिखते हैं। ऊपर आपको नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है, एंड राइट हैंड साइड पावर ऑन ऑफ बटन है दोस्तों, या विद दैट ग्रीन टिंज, नाइस नाइस। जो प्रो में था इसमें भी आपको वो जो पावर बटन के ऊपर ग्रीन टिंज है वो मिलता है। ऑलराइट, ऊपर से देख लिया, एंड आई विल टेल यू व्हाट, आई एम इंप्रेस्ड ऊपर से। अब अंदर जो सॉफ्टवेयर है क्या वो इंप्रेसिव है, लेट्स फाइंड आउट। बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, किया कि नहीं लाइक अब तक। ऑलराइट, लुक एट दैट डिस्प्ले, लवली लवली डिस्प्ले दोस्तों, फ्लैट डिस्प्ले है, प्रो में कर्व था, इसमें कंप्लीटली फ्लैट है, एंड 6.43 इंच का डिस्प्ले आता है दोस्तों। इट्स एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आता है। जी हाँ, पीछे और आगे दोनों ही तरफ ग्लास है, आगे गोरिल्ला ग्लास 5, पीछे AG ग्लास है, सो यस, मेटल ग्लास सैंडविच डिजाइन आता है, एंड HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है, सो वेरी नाइस। 91.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आता है, इसीलिए साइड के बेजल्स देखोगे बहुत ही पतले हैं, ऊपर का बेजल है वो भी बहुत पतला है, चिन ऑल्सो आई विल से स्मॉलर देन एवरेज,
और इसी की वजह से 91.7 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। और हाँ दोस्तों, 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट आता है। एंड ब्राइटनेस के मामले में बात करूं तो 800 निट्स पीक ब्राइटनेस है। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। डायमेंसिटी 900, जी हाँ, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900, ये 5G प्रोसेसर आता है। और याद रखिए दोस्तों, ये पहला फोन है जिसके ऊपर डायमेंसिटी 900 आता है। आपको बता दूं, ये 6nm आर्किटेक्चर पे आधारित है और इसकी वजह से इट इज क्वाइट बैटरी एफिशिएंट। दोस्तों इसमें एक ही वेरिएंट आता है, 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। जो स्टोरेज टाइप है दैट इज UFS 2.1 एंड रैम टाइप जो है दैट इज LPDDR4X। अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो प्रो के कंपैरिजन में थोड़ी कम बैटरी है, 4300 mAh बैटरी है, बट फास्ट चार्जिंग उतना ही है, 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग है। और दोस्तों ओप्पो क्लेम करता है कि 28 मिनट्स में फ्रॉम 0 to 100% इसकी बैटरी हो जाती है। सो 4300 mAh मैं कहूंगा स्लाइटली लोअर, 4500 होती तो अच्छा होता, बट इट मेक्स अप विद दैट फास्ट चार्ज। ऑलराइट दोस्तों, अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ऑन पेपर अगर आप देखोगे तो अंतुतु स्कोर 420,000 के ऊपर आता है, विच इज क्वाइट गुड। मतलब अगर एक दो साल पहले के आप 8 सीरीज के क्वालकॉम के चिपसेट्स देखोगे तो उतना ही 4.5 लाख के करीब फोन आता था। और नया फोन होने की वजह से अभी भी अपडेट्स के द्वारा ऑप्टिमाइज और भी ज्यादा हो जाएगा। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे खेल पाओगे, प्रॉबली आफ्टर सम टाइम HDR वगैरह पे भी खेल पाओगे। बट जितना भी हमने खेला दोस्तों, 90 हर्ट्ज एंड 1 to 80 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट की वजह से वी फाउंड द गेम प्ले क्वाइट स्मूथ ऑन दिस वन। ये तो हो गया दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, बट डे टू डे यूसेज में मक्खन, व्हाई अगेन 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है एंड दैट सुपर ऑप्टिमाइज्ड कलर ओएस 11.3 आता है इसके अंदर, विच आई हैव स्टार्टेड रियली लाइकिंग। तो ये जो हार्डवेयर है एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड। डे टू डे यूसेज में तो दोस्तों यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस फोन, एब्सोल्युटली ग्रेट परफॉर्मेंस दे। और हाँ दोस्तों, कलर ओएस 11.3 है जिसकी वजह से जो भी फीचर्स प्रो में आते हैं इसमें भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, हाईली कस्टमाइजेबल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आता है, और फ्री फॉर्म स्क्रीन शॉट का फीचर भी है जहाँ पे आपको ग्रैनुलर कंट्रोल मिलता है कि आप कैसे स्क्रीन शॉट निकालोगे। सो प्रो में जो भी फीचर्स है दोस्तों सभी इसके अंदर भी मिलते हैं, दैट्स अ प्लस। और दोस्तों अगर मैं फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो कैमरा के बारे में बात करूँ, पहले कैमरा के फीचर्स के बारे में बता दूं आपको, जो भी आपको प्रो में थे, फॉर एग्जाम्पल वो बोके फ्लेयर वीडियो मोड जो है वो आता है, AI हाईलाइट वीडियो मोड है वो आता है, और बाकी सब फीचर्स जो है सब कुछ आपको कैमरास में मिलते हैं। और अगर कैमरा के हार्डवेयर के बारे में बात करूं तो अच्छा हो गया दोस्तों, प्रो में क्वाड कैमरा सेटअप था जहां पे 2 MP का एक्स्ट्रा एक सेंसर था, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है, अगेन द सेम टॉप 3 सेंसर्स, 64 MP प्लस 8 MP अल्ट्रा वाइड एंड देन 2 MP। और आगे दोस्तों होल पंच में लेफ्ट हैंड साइड में आपको 32 MP का सेंसर मिलता है। सो मैं कुछ फोटोज वगैरह दिखा रहा हूं दोस्तों, जरूर देखिएगा, वी हैव नॉट टेस्टेड इट एट लेंथ, बट आपको क्या लगता है इन फोटोज के बारे में, इन वीडियोस के बारे में, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर, एंड यस एमोलेड होने की वजह से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक भी है, एंड बोथ ऑफ देम वर्क क्वाइट वेल। चलिए बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में दोस्तों। यस, दिस इज अ 5G चिपसेट, तो 5G आता है। प्रो में आपको 11 बैंड्स का सपोर्ट था, इसमें अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, बट चाइनीज वर्जन में शायद 7 बैंड्स का सपोर्ट है, तो वैसे ही कुछ होगा, या तो 7 या 11 बैंड्स का सपोर्ट होगा, वी आर नॉट श्योर एट पॉइंट ऑफ टाइम। वाईफाई 6 आता है विच इज रियली गुड, ब्लूटूथ 5.2 का भी सपोर्ट आता है, और हाँ दोस्तों डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों NFC कनेक्टिविटी भी है इसके अंदर। चलिए दोस्तों बाकी के छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करते हैं, छोटे तो नहीं है, इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, बट कैमरा टू API का सपोर्ट है, इसका मतलब गूगल कैम का पोर्ट आप इस्तेमाल कर पाओगे, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है दोस्तों, HD स्ट्रीमिंग कर पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन लाइट, FM रेडियो नहीं है, SAR वैल्यू विद इन लिमिट्स है, और हाँ दोस्तों 3.5mm जैक नहीं है इसके अंदर। लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया दोस्तों, एमोलेड स्क्रीन है, ब्यूटीफुल स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है, इमर्सिव वीडियो एक्सपीरियंस आता है, अगर व्यूइंग एंगल्स वगैरह आप देखोगे वेरी वेरी गुड, सो यू आर गोइंग टू एंजॉय वीडियो व्यूइंग, मोनो स्पीकर्स है, क्वालिटी अच्छी है, ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो है दोस्तों आपको बहुत अच्छा मिलेगा इस फोन के ऊपर। और हाँ दोस्तों एक एक्स्ट्रा फीचर आता है जो मैं भूल गया आपको बताना, वर्चुअल रैम का सपोर्ट आता है, 5GB तक आप एक्सपेंड कर पाओगे, सो 8+5GB, बट इट इज नॉट एक्चुअल रैम, इतना याद रखिए। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इंटरेस्टिंग क्यों कहा था दोस्तों, बिकॉज एक तो अगर आप प्रो के पास देखोगे वो 40,000 का आता है, 39999 का आता है, इसकी जो प्राइस है वो है 29999, दैट मीन्स अंडर 30,000 आपको मिलता है। एंड दो तीन चीजें जो प्रो में नहीं है वो भी इसमें है, एक चीज, जी हाँ, दैट मेटल फ्रेम एंड फ्लैट मेटल फ्रेम मिलती है, सो दैट इज वेरी वेरी नाइस। और मैं कहूंगा OS के मामले में, फीचर्स के मामले में, सभी में दोस्तों इट इज इक्विवेलेंट टू अ प्रो। सो ओवरऑल अगर देखा गया तो मैं कहूंगा
इन दिस प्राइस रेंज रेनो 6 5G जो है इज बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रॉबली देन इट्स प्रो वेरियंट. सो या दैट्स वॉट आई थिंक अबाउट रेनो 6 5G. दोस्तों आपको इस फोन के बारे में क्या लगता है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिए. और दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, आई एम सैड, डोंट डू दैट, सब्सक्राइब नाउ. चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.